We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India not a fair place. अमेरिका में राहुल के आरक्षण विरोधी बोल ने अब चुनाव में अपने साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। कभी बीजेपी के खिलाफ जिस हथियार को कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी वो उन्हीं के गले की फांस बन रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने आरक्षण पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। राहुल गांधी कभी आरक्षण के 50% कैप को बढ़ाने की मांग करते हैं, तो कभी संस्थाओं में रेलवे में जाति तलाशते, लेकिन आरक्षण पर अमेरिका में राहुल के दिल की बात सुबह पर आ गई, जिससे सैकड़ों सवाल खड़े हो गए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India not a fair place. ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस के लिए आरक्षण पर आवाज उठाना सिर्फ वोट बैंक साधना है? सवाल ये भी है कि देश में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, ऐसे में अपने हिसाब से आरक्षण क्यों लागू नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल के आरक्षण विरोधी बयान से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कर लीजिए मुसाफ, क्योंकि जरूरत है। वो कांग्रेस जो बिल्कुल ऑफेंसिव पे थी 24 के इलेक्शन में कि अरे ये बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण हटा देगी, आपके नेता जाके सात समंदर पार राहुल गांधी जाके बोलते हैं और अखिलेश यादव चुप रहते हैं। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी जाके बोलते हैं राहुल गांधी कि हम सही समय पे आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे, और आप कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है। रत्नाकर त्रिपाठी, क्या सुना नहीं आपने राहुल गांधी को? अपने नेता को तो सुनते ही होंगे कम से कम। सुना ईश्वर जी, मैंने एकदम सुना, आपने एकदम बीजेपी की तरह बोलना चालू किया। 61 से चालू किए, 2024 तक आ गए, आप पूरा 63 साल का डाटा आप लेते आए, आपको बधाई हो। क्या कहा राहुल गांधी ने कि जब वो एक निष्पक्ष स्थान होगा तब। अभी निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष स्थान तब कब होता है? जब एक दूसरे के प्रति पक्षपात ना हो। और आरक्षण का तो मूल आधार ही है कि पक्षपात होता है, इसलिए नहीं हुआ। तो अगर आप बताइए, सारा समाज सम की अवस्था में हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप रहेगा नहीं रहेगा आप जानते हैं। सभी अगर एक लेवल पे आ जाएंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसी तनख्वाह पाएंगे, एक जैसी अपॉर्चुनिटी पाएंगे, तो आरक्षण का क्या मतलब है? उन्होंने इस बात को कहा, हमारे यहां तो यह है नहीं, आपके यहां भी नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने कितने लोग को आरक्षण दिया है? आप बता सकते हैं आपके यहां आरक्षण नहीं लागू है? और आरक्षण तो खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकालती है, वैकालती ही नहीं, और रखती क्या है? मल्टी टास्किंग स्टाफ, MTS, जो झाड़ू भी लगा सकता है और एनसीसीआ भी दे सकता है। और मल्टी टास्किंग में क्या उन्होंने लगाया है? आरक्षण है? नहीं है। पूरी की पूरी इन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्री बेच दी प्राइवेट प्लेयर्स को। क्या प्राइवेट जगह पे आरक्षण है? नहीं है। तो आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? जो एक आनुपातिक आरक्षण मिलता था उसे खत्म तो बीजेपी कर रही है। ठीक है, अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस विरोध में है आरक्षण के, तो मैं आज कहता हूं आपके पैनल पे जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, यहां पे बैठे हैं, वो एक हफ्ते के अंदर जितनी वैकेंसी 1,71,755 वैकेंसी, तो सिर्फ रुक जाइए ऐश्वर्य जी, भागिए मत, खाली आपात सेवाओं की है रेलवे में, वही निकाल देना, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा पड़ जाए। अच्छा? ये हवा हवाई बातें करना, आपको नौकरियां नहीं देना, तमाचा मरवाने का बहुत शौक है, तो एक जरा सवाल का जवाब दे दीजिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्योंकि मेरे को इस तरीके का कोई शौक नहीं कि यही बात जो राहुल गांधी सात समंदर पार जाके कहते हैं और रत्नाकर त्रिपाठी को काशी में बैठे हुए बिल्कुल सही लगती है। तो मोहन भागवत ने क्या कहा था जो पूरी कांग्रेस बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिलक उठी थी?
क्या कहा था मोहन भागवत ने? नहीं, सही समय पर सही नहीं क्या कहा था मोहन भागवत ने? जवाब दीजिएगा अभी। मैं बता रहा नहीं, अब आप मत भागिएगा, मैं तो कुर्सी में बैठा हूँ। अरे सरकार आप सुनना नहीं चाह रहे? बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव में कहा था अभी आरक्षण के इवेल्युएशन की जरूरत, उसके रिव्यू की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा था क्या? जब भारतीय समाज समानता को आ जाए तब हो। और आप बता रहे हैं कि बाहर क्या कहा? अरे नरेंद्र मोदी ने तो विदेश में जाके कहा कि 2014 के पहले जो भारत भूमि में पैदा होता था वो कहता, अरे बाप रे मैं कहां फंस गया, मैं किस जगह पर पैदा हो गया। आपको शर्म आती है क्या? आप तो 2014 के पहले पैदा हुए होंगे। आपने कितनी बार इस बात को कहा? आपको उस बात की मैं 14 के बाद पैदा हुआ था, क्योंकि वो आपके खिलाफ। बहुत अच्छी बात, ठीक है, ओके, आप बताइए ना, आपको शर्मिंदगी होती है? शहजाद आपको 2000 पहले की बताइए, 10 साल। देखिए मेरे को शर्मिंदगी तब होती है, ये मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ शहजाद, लेकिन जब हमारा कोई नेता और नेता प्रतिपक्ष अंग्रेजों से जाके, गोरों से जाके देश में डेमोक्रेसी बचाने की बात करता है। थैंक यू वेरी मच, आप और मैं बैठ के आराम से डिबेट करेंगे, शहजाद जवाब दे रहे। बीजेपी इज काउंटर फॉर ऑल द फोर पॉलिटिशियंस। दीपक जी आ रहा हूँ, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूँ। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने सबकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना, एक बोला उम्मीद है कि मेरी भी बात को ध्यान से सुना जाएगा। पहले तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में जब वो थे तब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी के इस विदेशी धरती पर दिए गए बयान पर, जिस पर बहन मायावती भी बोली है कि आरक्षण समाप्त होगा कंडीशन कैवियट लगाकर, क्या उससे सहमत है? तो उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं इस पहली पंक्ति से इत्तफाक नहीं रखता। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अभी भी चोट डंके की चोट पर कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला। और अगर ये बात है तो आइए टेस्ट करते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जो वाल्मीकि गुजर बकरवाल समाज को पहली बार आरक्षण मनमोहन सिंह नहीं मोदी जी के जमाने में मिला है, जब 370-35 से हटाया गया है, तो क्या अब जब वो वकालत करते हैं कि वो आरक्षण छीन लेंगे 370 लागू करके, तो वहां पर क्या समानता आ चुकी है इसलिए वो वहां के समाज का जो आरक्षण, वाल्मीकि समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं? दूसरी बात, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक आपकी हरियाणा में दलित की बेटी है कुमारी शैलजा, उनको घोषित कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार उनको बनाएंगे, वो तो कह रही है मुझे चुनाव लड़ने दो, तो राहुल गांधी की टीम बोलती है हाउ डेयर यू। तीसरी बात, तेलंगाना में कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया उस रेवंत रेड्डी को जिसने कुर्मी समाज के और बिहार समाज के लोगों के डीएनए पर बहुत सारे सवाल उठे। अब चलिए मैं बिहार पर बोलूंगा तो फिर कंचना जी कुछ बोल पड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि उस विषय से आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, 1961 में तो आपने बताया नेहरू जी ने विरोध किया था आरक्षण का, उन्होंने ये कहा था सेकंड क्लास बन जाएंगे। 80 से 90 मंडल का विरोध इंदिरा जी राजीव जी ने किया था, 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने विरोध किया था, बुद्धों को आरक्षण का जो है लाभ मिलता है ये भी राजीव गांधी ने कहा था। पर केवल यहां पर नहीं, आज के जमाने में क्या हो रहा है, जब यूपीए की सरकार आई 2004 से 14 के बीच में, उन्होंने वकालत की थी कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण से छीन कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, सलमान खुर्शीद का ऑफिशियल बयान है। फिर कर्नाटक में जैसे सरकार आई उन्होंने ये किया, मुस्लिमों को दे दिया ओबीसी आरक्षण। बंगाल में आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जहां पर 77 कास्ट में से 75 कास्ट ओबीसी की मुस्लिमों को दे दिया और वो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया है। इसके अलावा जामिया एमयू से आरक्षण समाप्त किया। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जामिया एमयू में समानता आ गई थी इसलिए वहां पर एससी एसटी का आरक्षण समाप्त किया क्या? और लास्ट बात मैं पूछना चाहता हूं, केवल आरक्षण नहीं, 14,000 करोड़ दलितों का कर्नाटक में लूट लिया गया और डाइवर्ट कर दिया गया। तेलंगाना में एससी एसटी का बजट 22,000 करोड़ था, उसको काट कर 7,000 करोड़ कर दिया और मदरसे का बजट उसको दोगुना कर दिया गया। तो एक बात स्पष्ट है कि ये आरक्षण समाप्त करके देना किसको चाहते हैं, वोट बैंक को देना चाहते हैं। इसलिए मैं आज स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं, ओके, जामिया एएमयू में समानता आ गई है इसलिए आरक्षण समाप्त हुआ क्या एससी एसटी का? ये कंचना जी बोलेंगी मुझे उम्मीद है, अनुराग जी बोलेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोनों मेरे भाई बहन बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता है, तो इसका जवाब इट लुक्स वेरी मेरे को